अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है साइटोकाइनन। साइटोकाइनन प्लांट हार्मोन सीरीज का एक टॉपिक है, तो उसी सीरीज को हम डिस्कस करते हुए नेक्स्ट अब बात करते हैं साइटोकाइनन की, ठीक है। तो साइटोकाइनन क्या है? ये प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, क्लियर। कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और ये क्या करवाता है? ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन की स्टिम्युलेट करता है सेल डिवीजन को। किस चीज को स्टिम्युलेट करता है? सेल डिवीजन को प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सेल डिवीजन करवाता है ये वाला हार्मोन। जिस तरह के अब हमारे पास ऑक्सिन और जिबरेलिन थे, ठीक है ना, वो भी मैंने दोनों लेक्चर्स जो है ऑक्सिन और जिबरेलिन के अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइटोकाइनन की ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, कि हिस्ट्री क्या है इसकी, किस तरह इस हार्मोन को डिस्कवर किया गया, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। जो साइटोकाइनन है ना हमारे पास, इसको दो साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था, आइसोलेटेड बाय टू साइंटिस्ट। एक का नाम था मिलर, ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट था स्कूग। इन दो साइंटिस्ट ने 1954 में प्लांट हार्मोन को डिस्कवर किया था। किस चीज़ के अंदर इन दोनों ने डिस्कवर किया था? तो हैरिंग फिश के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है ना, हैरिंग फिश के डीएनए में, हैरिंग फिश डीएनए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जब इसकी डिस्कवरी हो गई थी, माइलर और स्कूक ने डिस्कवर कर दिया था हैरिंग फिश के डीएनए के अंदर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फिर अब क्या हुआ कि काइनेटिन की डिस्कवरी के बाद, जो ये काइनेटिन इन्होंने फिश के डीएनए के अंदर डिस्कवर कर लिया था काइनेटिन, तो इस काइनेटिन की डिस्कवरी के बाद बहुत से काइनेटिन से ही रिलेटेड कंपाउंड डिस्कवर किए गए थे। इन कंपाउंड्स को साइटोकाइनन्स का नाम दे दिया गया था, साइटोकाइनन्स, ठीक है। तो यहाँ साइटोकाइनन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो अगर हम साइटोकाइनन्स की अकरेंस की बात करते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे ये साइटोकाइनन जो है वो अकर करता है, ठीक है। तो साइटोकाइनन हार्मोन जो मोस्टली पाया जाता है, वो पाया जाता है जी मेज के अंदर, जी मेज में, ठीक है। और ऐसा साइटोकाइनन जो जी मेज के अंदर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? जियाटिन, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनन जो होता है ये एंडोस्पर्म में पाया जाता है कोकोनट के, आल्सो अकर इन दी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ठीक है, कोकोनट के एंडोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है ये एम्ब्रियोज में डेवलपिंग फ्रूट और रूट्स के अंदर भी पाया जाता है, आल्सो फाउंड इन दी एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रूट, फ्रूट्स एंड रूट्स, ठीक है। तो अभी हमने बात की साइटोकाइनन की ब्रीफ हिस्ट्री की, अकरेंस की, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। तो अभी हम साइटोकाइनन हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो साइटोकाइनन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए ना मैं आपको एक शॉर्टकट टिप बता देती हूँ, जिसके ज़रिए आपको इनके जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है वो शॉर्टकट टिप 3C, ठीक है, सी के बाद बी, फिर है डी, 3CBD, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स आप खुद से भी याद रख लीजिएगा। तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो ये वाले आप याद कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा भी बताऊंगी तो वो भी अगर आपको याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो 3CBDA,
ठीक है। तो अगर 3C में एक है सी सेल डिवीजन का, एक सी सेल इनलार्जमेंट का और एक सी है काउंटर एक्शन ऑफ दी एपिकल डोमिनेंस का, ठीक है। बी है ब्रेकिंग बड डॉर्मेसी का और डी है डिले ऑफ दी सेंसेंस का और ई है एक्यूमुलेशन ऑफ दी सल्यूट्स का, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको एग्जाम में भूल जाते हैं इसके पॉइंट्स, ठीक है ना, साइटोकाइनेंस के, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आपको एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स तो याद रहें और एक्स्ट्रा भी ज़रूर याद कीजिएगा, तो वो भी मैं बता दूंगी। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है 3C को हम देखते हैं, एक सी किसका है सेल डिवीजन का, ठीक है। तो अभी हम इसी पे भी बात करते हैं कि जो साइटोकाइन है ना ये क्या करवाता है, ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, ठीक है। सेल डिवीजन इंड्यूस करता है कौन कौन से प्लांट्स में, तंबाकू, पिथ कैलस, ठीक है। तो जो कैलस फॉर्मेशन होती है ना ये साइटोकाइनन और जब ऑक्सीजन दोनों ही इक्वल अमाउंट में किसी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं तो पिथ कैलस की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। आपको पिथ कैलस कंडीशन है। फिर उसके अलावा है सेल डिवीजन में कौन से प्लांट्स आते हैं, सोयाबीन कोटिलेडन्स, सोयाबीन कोटिलेडन, ठीक है, सोयाबीन कोटिलेडन्स है। फिर उसके अलावा है पी कैलस, पी कैलस की कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। जब सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है तो वो कैलस की कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो कैलस को हम प्लांट कैंसर भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल का डिवाइड कर देना कि ज़रूरत से भी ज़्यादा। और जब ऑक्सीजन और साइटोकाइनन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है ना किसी प्लांट के अंदर तो कैलस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो एक सी की बात हो गई है। अब दूसरा सी है हमारे पास सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट का सी है ये हमारे पास। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सेल इनलार्जमेंट के अंदर भी साइटोकाइनन जो है ये बहुत ज़्यादा जो हेल्प करता है, इंड्यूस करता है सेल इनलार्जमेंट को, ठीक है। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन की तरह ही साइटोकाइनन भी सेल इनलार्जमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लें कौन कौन से प्लांट्स के अंदर सेल इनलार्जमेंट करवाते हैं, तो एक है पम्पकिन कोटिलेडन्स, पम्पकिन कोटिलेडन्स, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास तंबाकू पिथ कैलस, तंबाकू पिथ कैलस, क्लियर, ठीक है। तो उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि तीसरे सी की, वो क्या है, काउंटर एक्शन ऑफ द एपिकल डोमिनेंस, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एपिकल डोमिनेंस के कोई उलट काम हो रहा है। तो हमें पता है एपिकल डोमिनेंस क्या है, जब एपेक्स पे ग्रोथ होती है और लेटरल रूट्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि एपिकल पोर्शन डोमिनेट कर गया, एपिकल डोमिनेंस कंडीशन है। तो काउंटर एक्शन का मतलब क्या है कि ग्रोथ प्रमोट हो रही है लेटरल साइड की और एपिकल डोमिनेंस से कुछ उलट हो रहा है, लेटरल साइड की जो जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है और एपिकल साइड की जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो रही है, मतलब कि एपिकल डोमिनेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो होता है ना हमारे पास साइटोकाइनन ये प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, लेटरल बड्स की जब ग्रोथ होगी, मतलब कि साइड्स वाला जो पोर्शन होगा स्टेम का वहां की ग्रोथ हो रही है, जो अपर पोर्शन है स्टेम का वहां की ग्रोथ जो होती है वो सप्रेस हो रही है, अपर कौन सा है एपिकल पोर्शन है, तो जिसकी वजह से काउंटर एक्शन एक उलट काम हो रहा है एपिकल डोमिनेंस से। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाले बी की, ठीक है। तो ये बी हमारे पास क्या है, तीन तो हमने बात कर ली, तीन सी की जो इनके अंदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, और इस चौथे हम बी इफेक्ट की बात करते हैं जो साइटोकाइनन से इफेक्ट होता है, वो क्या है, ब्रेकिंग डोरमेसी ऑफ बड, ब्रेकिंग बड डोरमेसी। तो साइटोकाइनन इज ग्रेटली इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग डोरमेसी ऑफ बड, ठीक है ना। बड की ये डोरमेसी बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रेक करता है। तो अगर हम बात करेंगे जो जिब्रिलिन की तरह ही, तो जो साइटोकाइनन है वो क्या करता है, वो लेटस और तंबाकू प्लांट्स की डोरमेसी ब्रेक करता है। कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी डोरमेसी ब्रेक करता है, लेटस एंड तंबाकू, ठीक है। तो तंबाकू में डबल वी नहीं आता, मैंने गलती से लिख दिया है, सॉरी। तो तंबाकू प्लांट की डोरमेसी करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिले ऑफ सेनिसेंस की, तो यही हम इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं, डिले ऑफ सेनिसेंस।
सेनिसेंस का जो अमल है उसको भी डिले करता है, ठीक है ना। तो सेनिसेंस के अमल को किस तरह ये डिले करता है, तो जो सेनिसेंस जो लीव्स की होती है ना किस तरह होती है, ठीक है ना, पत्ते किस तरह गिरते हैं, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लॉस की वजह से, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन, जब प्रोटीन के टूटने से प्रोटीन जब वीक होती है, ठीक है ना। तो सेनिसेंस को किस तरह ये कम करता है, ये क्या होता है कि जो साइटोकाइनन होता है ये इम्प्रूव कर देता है। तो क्या होता है कि ये साइटोकाइनन है जो इम्प्रूव कर देता है आरएनए की सिंथेसिस को, ठीक है ना। आरएनए की सिंथेसिस जो होती है ये इम्प्रूव हो जाती है, इम्प्रूव्ड आरएनए बनता है इसकी मदद से, साइटोकाइनन की मदद से। जब इम्प्रूव्ड आरएनए होगा तो हमें पता है आरएनए से जो है वो आगे क्या होती है, ट्रांसलेशन हो गई, क्या बनती है, प्रोटीन। जब इम्प्रूव्ड आरएनए होगा तो इम्प्रूव्ड ही आगे प्रोटीन बनेगी, ठीक है ना। जब इंप्रूव्ड प्रोटीन बनेगी तो सेनिसेंस जो होगी वो उसके प्रोसेस को डिले कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो मोस्टली क्या होता है कि अगर वर्क किया था, एक साइंटिस्ट था रिचमैन और लैंग, तो दो साइंटिस्ट थे ये, सॉरी रिचमैन, रिचमैन एंड लैंग, तो इन दोनों ने वर्क किया था लीव के ऊपर, डिटैच लीव के ऊपर, के सेनिस जेंथियम के डिटैच लीव के ऊपर, ठीक है ना। तो डिटैच लीव के ऊपर उन्होंने वर्क किया था, जेंथियम, जेंथियम प्लांट के लीव्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया था, और इन्होंने ये फाइंड किया था कि जो सेनिसेंस है इनको पोस्टपोन किया जा सकता है लीव सेनिसेंस को नंबर ऑफ डेज तक काइनेटिन के ट्रीटमेंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब इसकी बात करते हैं, एक्यूमुलेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स, किस तरह साइटोकाइनिन हेल्प करता है एक्यूमुलेशन और ट्रांसलोकेशन सोल्यूट्स की। तो अब हम बात करते हैं लास्ट ए वाली डिजिट की, ठीक है ना, तो ए लेटर की, तो उसमें क्या है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, ए फॉर एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स। तो साइटोकाइनन जो है ये हेल्प करता है एक्यूमुलेशन में सोल्यूट की और सोल्यूट की ट्रांसलोकेशन में, ठीक है ना। किस चीज़ के अंदर ये ट्रांसलोकेशन होती है, सोल्यूट की फ्लोएम टिश्यूज में, ठीक है। तो साइटोकाइनन हेल्प करता है इस एक्यूमुलेशन और ट्रांसलोकेशन में, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि कुछ और प्रोसेसेस हैं जो इनके अंदर साइटोकाइनन हेल्प करता है। तो एक है हमारे पास बड़ा फेमस प्रोटीन सिंथेसिस, तो हमने पहले भी पढ़ा था ये कि साइटोकाइनन जो है ये इम्प्रूव करता है आरएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को, तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता होगा, ठीक है। तो उसके अलावा फ्लावर की इंडक्शन करवाता है प्लांट्स के अंदर, साइटोकाइनन है जो, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ अदर इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, तो अदर इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं हम, अदर इफ़ेक्ट्स, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं साइटोकाइनन के हमारे पास। तो अगर हम कुछ अदर इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो साइटोकाइनन जो होता है ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर के खिलाफ रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी कोल्ड होगी उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, और डिजीज़ के खिलाफ ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, बहुत से प्लांट्स में डिजीज़ काजिंग एजेंट्स के खिलाफ ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, क्लियर। तो इसके अलावा ये जो साइटोकाइनन है ये क्या करेगा, इनकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन है साइटोकाइनन की, सम कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो हम यहाँ पे इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कमर्शियली ये किस तरह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम कमर्शियल एप्लीकेशन की बात करें, तो साइटोकाइनन जो होता है ये इंक्रीज करता है शेल्फ लाइफ को, ठीक है, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है फ्रूट्स की, उनको गलने सड़ने से बचाता है, ठीक है, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है फ्रूट्स की। उसके अलावा ये रूट सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है, क्या करता है, प्रोड्यूस एफिशिएंट रूट सिस्टम, रूट सिस्टम को भी एफिशिएंट बनाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा ये इंक्रीज करेगा यील्ड को, ये इसकी कुछ कमर्शियल पर्पसेस हैं, ठीक है, इंक्रीज यील्ड, यील्ड को भी बढ़ाएगा, ठीक है, और ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा ऑयल सीड्स की,
इट आल्सो इंक्रीज ऑयल कंटेंट ऑफ द ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंड नट वगैरह के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको साइटोकाइनिन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।